अब ये दिसंबर भी जा रहा है, बस कुछ दिन समय बीत जाएगा फिर नया साल 2023 होगा। हम रोज कहते आ रहे हैं कल करेंगे कल करेंगे, पर अफसोस यह है कि कल कभी आता नहीं। क्यों, झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए एक कहानी सुनाते हैं दोस्तों, एक विनर की और एक लूजर की। जो विनर होता है वो वर्ल्ड चैंपियंस होता है और दौड़ने में, और लूजर जो होता है वो वर्ल्ड चैंपियंस बनना चाहता है। तो वो एक कोच के पास जाता है और अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करता है और थोड़ा दौड़ता है और फिर थक के बैठ जाता है। तब उसका कोच कहता है इतना से काम नहीं चलेगा, पहले तुमको जो वर्ल्ड चैंपियन है उतना तुमको खुद को तैयार करना पड़ेगा। तो वह फिर सुबह शाम रात दिन एक एक करके खूब मेहनत करता है, उस चैंपियन का लेवल पे आता है, उसके बराबर आता है। तो दोस्तों क्या लगता है कि वह सफल हो जाएगा? तो दोस्तों अब असली खेल अब शुरू होता है। दोनों बराबर दौड़ता है, तब कोच जब प्रैक्टिस करा रहा होता है तो लूजर दौड़ते दौड़ते थक जाता है। तब कोच कहता है तुम अपना कंप्यूटर के बारे में सोचो, वो क्या कर रहा होगा। तो लूजर बोलता है वो प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो कोच कहता है तुम उठो और दौड़ो, और वो दौड़ना शुरू करता है और कुछ देर दौड़ने के बाद फिर पुनः थक कर बैठ जाता है। फिर कोच कहता है अब तुम्हारा कंप्यूटर क्या कर रहा होगा। तो वो बोलता है वो अभी थक गया होगा। और तब कोच बोलता है यही फर्क होता है विनर और लूजर में, वह उठकर फिर दौड़ता होगा जो वर्ल्ड चैंपियन का होगा वो, और फिर दौड़ा होगा, तुम भी दौड़ो। अब ये लूजर उठता है और फिर दौड़ना शुरू करता है और कुछ देर दौड़ने के बाद वो पूरी तरह से थक जाता है, अब वह दौड़ने के हालत में नहीं होता है। तब कुछ बोलता है तुम्हारा कंप्यूटर अब थक चुका होगा, वह भी अब दौड़ने के हालत में नहीं होगा, तुम दोनों अब बराबर हो, अब वही जीतेगा जो एक्स्ट्रा करेगा। तब कोच कहता है उठो और फिर तीन चक्कर लगाओ, और फिर वह उठता है, फिर लूजर दौड़ना शुरू करता है, फिर तीन चक्कर दौड़ने के बाद पूरी तरह से वह थक कर बैठ जाता है। तब कोच कहता है तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तैयार हो गए हो, और श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कर्म करो फल का चिंता मत करो। तो दोस्तों हम सब फल की चिंता करते हैं और कर्म करते ही नहीं है। उस वर्ल्ड चैंपियन की तरह, उस लूजर की तरह हमें खुद को मेहनत करना पड़ेगा, खुद पे समय देना पड़ेगा। तो ये कहानी अगर हम अपने ऊपर लगाएं तो ईमानदारी पूर्वक कितना मेहनत करते हैं, 5% 10%, तो क्या लगता है सफलता आपका हाथ लगेगा? जो 100% देगा उसे मिलेगा, या आपको खुद को ही सोचे क्यों आप खुद को धोखा दे रहे हैं? हमें सच्चाई पता है हम कितना मेहनत कर रहे हैं, और दोष देते हैं नसीब का, भाग का, परिस्थिति का, कोई नहीं, देते रहिए। 2022 भी बीतने वाले हैं, कुछ महीने कुछ दिन कुछ समय के बाद ये समय भी बीत जाएगा, और ये समय बीतता ही जा रहा है, ये समय रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, चाहे आप अपना काम करें या ना करें। ये जो दिसंबर की सर्दी में रातों में ये अंधेरों में कमल के नीचे सपने देखना और ये करना वो करना और रात भर बाबू सोना करना, क्या लगता है आपका सपना पूरा हो जाएगा, आपको सफलता मिलेगा? मेरा भाग ही खराब है, मेरा नसीब में नहीं लिखा है, क्या यही मेरा भाग है, मेरा नसीब है? कभी खुद को समय दीजिए, कभी खुद के लिए भी समय निकालिए। यूं जब बैठे रहते हैं टाइम पास करते रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट जल्दी आने वाले हैं, तो उस वीडियो का एम रखते हैं 10,000 लाइक्स, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए ऑन। तो चलिए अपने लक्ष्य के लिए तैयार हो जाइए, हम आपके साथ हैं और आपके साथ साथ चलेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, अगर आप स्वयं को नहीं जीत सकते हैं तो स्वयं द्वारा जीत लिए जाएंगे।